झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के महिला समूह के बीच 66,23,367 रुपये के परिसंपत्तियों का वितरण किया। देवघर में महिला समूह के बीच महिला किसानों को खेती करने के लिए पावर ट्रैक्टर पावर टिलर का वितरण किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार बिरसा कृषि योजना के तहत झारखंड के किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र का वितरण कर रही है और झारखंड के सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है हर किसानों को कृषि ऋण दिया जाए जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सके। कृषि मंत्री ने झारखंड सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने जो घोषणा की थी उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है, चाहे कृषि ऋण माफ़ी की बात हो, ग्रामीण बिजली बिल में छूट की बात हो या फिर 10 रुपये में धोती साड़ी लुंगी देने की बात हो। हमारी सरकार हर योजना को धरातल पर उतारने का काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि हमने किसानों का ऋण माफ़ी किया और पुनः किसानों को ऋण देने की बात कही और किसानों को ऋण पुनः मिल रहा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए मिनी ट्रैक्टर और पावर टिलर दिया गया है। आगे भी मुख्यमंत्री कृषि धन पशुधन योजना के तहत पशुओं के लिए शेड भी दिया जाएगा और हर संभव मदद के लिए महिला ग्रुप महिला संगठन जो है उसे हर संभव झारखंड सरकार मदद करेगी, उसे हर क्षेत्र में मदद करने के लिए तैयार है। आज भी 5 महिला किसान को दुधारू पशु दिया गया और बकरा भी वितरण किया गया। साथ ही ये 2,37,000 का चेक महिला समूह को और 27,68,000 का भी चेक एक महिला समूह को दिया गया। इसमें देवघर मोहनपुर सारठ और देवीपुर ब्लॉक के महिला संगठन के बीच 66,23,367 रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने अपने हाथों सभी के बीच इन परिसंपत्तियों का वितरण किया और खुद ट्रैक्टर के पास जाकर के महिलाओं को उत्साहित किया और आप देख सकते हैं किस प्रकार से चाबी महिला को अपने हाथों से चाबी दिया और फिर उसे प्रोत्साहित किया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी झारखंड सरकार इस तरह से महिला किसानों को हमेशा मदद करती रहेगी। छियासठ लाख 23,367 रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। 80% अनुदानित राशि ये सभी महिला संगठन के महिलाएं ट्रैक्टर और पावर टिलर को आज लेके गई। कितना राहत होगा खेती करने में? नहीं था तो कितनी परेशानी होगी? बहुत परेशानी होती है। अब हम तो सरकार जो कि लाभ इससे बहुत लाभ मिलेगा, बहुत राहत मिलेगी। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, क्या मिला है? क्या कीजिएगा इसका? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? ग्रामीण विकास है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, गव्य है, उसके साथ ही भूमि संरक्षण है, सभी के द्वारा मत्स्य है, करोड़ों रुपये की परिसंपत्तियाँ का वितरण हुआ है और इत्यादि के माध्यम से टोटल एक्चुअल डाटा आपको दे दिया जाएगा। साथ ही है कि पर्व से पहले किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का जो सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है उसको हम जिला लेवल पे दे के प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोग इसका अनुकरण करें और गांव में जिज्ञासा बढ़े कि हमारे गांव का ही फलाना आदमी लेके आ रहा था हम क्यों, क्योंकि ये योजनाएँ सभी के लिए हैं, चाहे गाय वितरण की हो या फिर आपने देखा मछली के साथ साथ बतख का चूजा, साथ ही रोटा बेटा ट्रैक्टर, इन सब जो है सखी मंडलों को एम्पावर करने के लिए जो हमने ग्रामीण विकास की संपत्तियों का वितरण किया है कन्वर्जेंस के तहत
सबको हमने देने का काम किया, लोगों से लाभुकों से हमने पूछा भी, कहा कि इस बार योजना में जो हम पशुधन सेट भी दे रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव है, और उसको खुली आसमान के नीचे रखने से और एक घर के अंदर रखने से जो गाय है उसको एक अच्छा वातावरण होता है, दूध उत्पादन में भी इसे सहूलियत मिलती है। इन सब चीज़ों को उनको भी प्रशिक्षण देने का हम काम कर रहे हैं ताकि वही लागत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें।